Hello everyone, this is Farheen Alpha, your English teacher. Today I am going to explain you an interesting rhyme on grandmother. The name of this poem is Granny, Granny, Please Comb My Hair. This poem is written by Grace Nichols. Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always such care. Granny, Granny, Granny is word used for grandmother. जब पोएट अपनी ग्रैंडमदर से बात कर रही है और वो कह रही है कि ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माय हेयर, यू ऑलवेज टेक योर टाइम, यू ऑलवेज टेक सच केयर. ग्रैनी ग्रैनी आप मेरे हेयर कॉम कर दीजिए, आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है और आप मेरी बहुत केयर भी करती हैं. यू पुट मी ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज, यू रब अ लिटिल ऑयल पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज. आप मुझे अपने घुटनों के बीच में एक कुशन पर बिठाती हैं. कुशन मीन्स लाइक अ स्मॉल, लाइक अ सॉफ्ट पिलो. आप मुझे अपने घुटनों के बीच कुशन पर बिठाती हैं और आप जब मेरे सर में ऑयलिंग करती हैं तो ऐसा लगता है कि जेंटल ब्रीज चल रही हो. ब्रीज मीन्स होती है हवा और जेंटल मीन्स कोमल कोमल, एक कोमल कोमल हवा चल रही हो. मम्मी मम्मी शी इज ऑलवेज इन अ हरी हरी रश, शी पुल्स माई हेयर समटाइम्स शी टक्स. मम्मी मम्मी जब भी मैं मम्मी से कहती हूँ कि आप मेरे सर में ऑयलिंग कर दीजिए, मेरे हेयर कॉम कर दीजिए, तो मम्मी हमेशा बहुत जल्दबाजी में होती हैं, जल्दी जल्दी अपने काम कर रही होती हैं. तो वो क्या करती हैं, वो मेरे हेयर्स को पुल कर देती हैं, वो मेरे हेयर्स खींच देती हैं. बट ग्रैनी, लेकिन ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माय हेड एंड से नाउ हूज़ अ नाइस गर्ल. लेकिन ग्रैनी आपके पास तो बहुत सारा टाइम है जो आप मेरे सर में ऑयलिंग करती हैं, और जब आप अपनी ऑयलिंग मेरे सर में ऑयलिंग फिनिश कर देती हैं तो आप मुझसे मेरे हमेशा गर्दन को घुमाकर, सर को घुमाकर आप मुझसे पूछती हैं, बताइए एक अच्छी लड़की कौन है, क्या बताइए क्या आपके घर में ऐसी ग्रैनी है, आपके घर में ऐसी ग्रैंड मदर हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, आपके हेयर कॉम करती हैं और आपके घर के कामों में या आपके कामों में आपकी हेल्प करती हैं. हमने इस राइम में कौन कौन से न्यू वर्ड्स लर्न किए हैं. नंबर वन कुशन, कुशन लाइक अ सॉफ्ट प्लो. नंबर टू नीज, कोकोनट जेंटल, जेंटल मीन्स कोमल. ब्रीज, ब्रीज मीन्स विंड हवा. Finished, calm, calm means kanga. Tugged, tugs, tugs means khichna. Now come on word meaning cushion. Number one, cushion. A pillow stuffed with a mass of soft material. बहुत मुलायम मुलायम सामग्री से भरा हुआ एक तकिया. Number two, breeze. A gentle wind. बहुत कोमल हवा. Rush, move or act. रश मीन्स भीड़ भी होता है, मूव मीन्स उसका मीनिंग हम रश भीड़ भी कह सकते हैं, और मूव मीन्स जल्दी जल्दी किसी काम को करना. टग मीन्स पुल हैंड, तेजी से खींचना. नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डज द गर्ल वांट हर हेयर कॉम बाय मम्मी और बाय ग्रैनी. क्या लड़की अपनी मम्मी से या ग्रैनी से अपने अपने हेयर कॉम कराना चाहती है, वो किससे चाहती है कि मेरे हेयर कॉम कराए जाएं. The girl wants her hair combed by granny. वो लड़की चाहती है कि ग्रैनी मेरे हेयर कॉम कर दें. नंबर टू हाउ डज द ग्रैनी कॉम द गर्ल्स हेयर. ग्रैनी जो है उनकी ग्रैंड मदर, वो गर्ल के हेयर किस तरह से कॉम करती है. आंसर इज ग्रैनी कॉम्स अ गर्ल्स हेयर बाय प्रोवाइडिंग हर अ सॉफ्ट सीट बिटवीन हर नीज एंड अप्लाइंग कोकोनट ऑयल जेंटली. उसकी जो ग्रैनी है जब उसके वो हेयर कॉम करती हैं तो अपनी नीज के बीच में एक कुशन कुशन देती हैं, उसको सॉफ्ट सीट देती हैं जिसको हम कुशन बोल सकते हैं, उसको वो बैठने के लिए देती हैं और जेंटली बहुत कोमल कोमल हाथों से उसके हेयर में ऑयल को अप्लाई करती हैं, ऑयल लगाती हैं. द नेक्स्ट इज व्हाट डज मम्मी डू व्हेन शी कॉम द गर्ल्स हेयर. जब मम्मी गर्ल्स के हेयर में ऑयलिंग करती हैं, कॉम करती हैं, तो तब वो मम्मा क्या करती हैं. आंसर इज मम्मी पुल्स हर हेयर.
मम्मी उसके हेयर को पुल करती हैं, खींचती हैं। क्यों खींचती हैं? क्योंकि मम्मा को बहुत ज्यादा काम होते हैं और वो जल्दी जल्दी अपने कामों को खत्म करने के लिए जब उसके हेयर जल्दी जल्दी काम करती हैं तो उसके हेयर को खींच देती हैं। द नेक्स्ट इज द गर्ल एंजॉयज हैविंग हर ग्रैनी कॉम हर हेयर। जब ग्रैनी उसके हेयर कॉम करती हैं तो गर्ल को बहुत मज़ा आता है, वो बहुत अच्छा फील करती है। फाइंड थ्री फ्रेजेज इन द पोएम विच मेक यू थिंक सो। ऐसे तीन फ्रेजेज बताइए जो आपको भी लगता है कि हाँ वाकई वो इंजॉय करती है, उसे अच्छा लगता है अपनी ग्रैनी से हेयर कॉम कराना। द आंसर नंबर वन, यू ऑलवेज टेक सच केयर। ग्रैनी आप बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। नंबर टू, यू पुट मी ऑन अ कुशन। आप मुझे कुशन पर भी बिठाती हैं बहुत प्यार से। नंबर थ्री, यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल। और आप मेरे बालों में मेरे हेयर में धीरे धीरे कोकोनट ऑयल को अप्लाई करती हैं। क्या आपकी दादी भी आपके साथ ऐसा कुछ करती हैं? अगर ऐसा करती हैं तो दैट यू आर वेरी वेरी लकी। थैंक यू।